अब्दुल कादिर जेलानी पे मैं कुर्बान जाऊं। कितने बड़े आदमी थे, शैतान कितना बड़ा खबीस है। अब्दुल कादिर जेलानी, अब्दुल कादिर जेलानी, वो आपके पाकिस्तान के कच्चे मौलवियों की तरह नहीं था। हजरत की किताब गुनियतुत तालिबीन, उसके मुकदमे में लिखा हुआ, अब्दुल कादिर जेलानी सफ़र पे गया गया थका हुआ, बहुत थके हुए, अचानक अल्लाह का करना हुआ कि बादलें आ गई, बारिश हो गई, आपको प्यास भी लगी थी बारिश हो गई, हजरत ने पानी भी पी लिया। उसके बाद ऊपर से आवाज़ आ रही है, शैतान तो सब कुछ कर सकता है, ऊपर से आवाज़ आ रही है, या अब्दुल कादिर अल जीलानी, या अब्दुल कादिर अल जीलानी, अब्दुल कादिर मैं तेरा रब बोल रहा हूं, अब्दुल कादिर मैं तेरा रब बोल रहा हूं, अब्दुल कादिर तू सफर करते करते थक गए, तुझे प्यास लग गई थी, बारिश मैंने बरसाया, तो अल्लाह बारिश बरसाए। लेकिन आगे कहता है, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, आपने मेरी इतनी इबादत की, इतनी इबादत की, मुझे आपने राजी किया है। अब्दुल कादिर जिलानी, आपने मेरी इतनी इबादत की है, मुझे राजी किया है। अब्दुल कादिर आइंदा के लिए तू इबादत कर या न कर, मैंने तेरे मगफिरत के फैसले कर दिया। आइंदा तू नमाज पढ़ या न पढ़, जकात दे या न दे, हज कर या न कर, अब्दुल कादिर जेलानी मैंने तुझे बख्श दिया, मैं तेरा रब बोल रहा हूं, मैंने नमाजें तुझ पर माफ कर दी। है, मोरी मंजूर होता कहता कि जी मुझे तो सर्टिफिकेट मिल गई, आसमान से ऐलान हो गया कि मंजूर तूने इतनी इबादत की है। मंजूर हो या कोई आपका तबलीगी पैगंबर हो, या कोई तकी साहिब भी हो, या कोई बड़ा कोई मौलवी हो, चाहे मौली अनवर साहिब हो, या कोई भी शेखुल हदीस बिनौली टाउन का या दारुलूम का, कि जी आसमान से ऐलान आ गया है, मेरी मगफिरत हो गई है। लेकिन वो बंदा अब्दुल कादिर ही था, कहना अब्दुल कादिर आपने मेरी इतनी इबादत की है, अब आइंदे के लिए नमाजें भी माफ, जक़ात भी माफ, हज भी माफ, तू इबादत कर या न कर, तेरे मगफिरत के फैसले हो गए, तेरे मगफिरत के फैसले हो गए। अब्दुल कादिर जेलानी ने कहा, ओए कुत्ता, मेरा रब ऐसा ऐलान नहीं करता। ओ कुत्ता, तू शैतान हो सकता है ऐसे इस किस्म के, मुझे यह है कि जिन्नात को तो ताकत है, शयातीन को तो ताकत है, मैं अब्दुल कादिर जेलानी इतना बड़ा हो गया कि मोहम्मद से भी बढ़ गया, और आखिर सकरात तक आखिरी दिनों में भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को युहादा बैन रजुलैन ने सहारा देकर के, दो आदमियों के दरमियान में सहारा देकर के मस्जिद में नमाज में लाया जा रहा, हजरत फजल इब्न अब्बास या हजरत अब्बास और हजरत अली, ये सहारा देकर के रसूल पाक को ला रहे हैं, मोहम्मद से नमाज माफ नहीं, और अब्दुल कादिर जेलानी इतना बड़ा हो गया कि उसमें नमाज में, आ कुत्ते का बच्चा मैं तुझे देख लूं, आ मेरे करीब तो आ जा। है, बोलो अब्दुल कादिर जिंदाबाद, बोलो जेलानी जिंदाबाद। जेलानी को मानने वाले जो है ना, कहने लगे कि मेरा रब नमाज मुझसे माफ कर दी और मेरे मगफिरत के फैसले हो गए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज माफ नहीं है। आखिरी बिल्कुल सकरात के मौके पर भी आप फरमा रहे, अस्सलात व मा मलकत अयमानुकुम, नमाज को छोड़ना नहीं, और अपने यह के गुलाम और अपने लोंडियों का ख्याल करना, जुल्म ज्यादती नहीं करना। वाह, मोहम्मद रसूल आखिर तक, फिर क्या अगले देखे आगे, कह लगे ए अब्दुल कादिर जेलानी, ए अब्दुल कादिर जेलानी, तुझसे पहले पता नहीं कितने सूफी मदरसों के पढ़े मौलवी मुदर्रिस और कितने मैंने तबलीगी उनको गुमराह करके मैंने जहन्नम में पहुंचाए इस अंदाज पे, लेकिन अब्दुल कादिर तू बड़ा होशियार इंसान है, बड़ा होशियार है, अब्दुल कादिर तुझे बचाया, तेरे इल्म ने बचाया। अब मौली मंजूर होता कह, वाह बहुत बड़ा आलिम हूँ, तभी तो मेरे इल्म ने मुझे बचाया, इल्म ने बचाया। फरमाया, वाह मक्कार, वो बगैरत इल्म ने नहीं बचा, तू आ, मुझे मेरे रब ने बचाया। वाह वाह, मक्कार, ये हजरत की किताब है गुनियतुत तालिबीन, उसके मुकदमे के अंदर, मुकदमे में उसके ये वाक्य लिखा हुआ।